भाई साहब ये क्या है? ज़ोंबी के ऊपर ज़ोंबी विलेजर का बच्चा? भाई ये क्या चीज़ है? तो मार भी रहे हैं यार। तो बहुत ज़्यादा रेयर होगा। बस तेरी मार देगा यार ये तो, ऐसे मानना पड़ेगा क्या? रूम में विलेजर का बच्चा बचा। तो वेलकम बैक टू माय माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा मैंने फुल अपना आयरन का वो बना लिया था सूट और आर्मर बना लिया मैंने फुल। आज का मेरा गोल है कि फुल डायमंड का आर्मर बनाऊं या फिर कुछ टूल्स तो बना लूं डायमंड के। और आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा क्रेज़ी होने वाला है, फुल एपिसोड ज़रूर देखना। और अब मिलते हैं वीडियो में। तो गाइस चलिए कुछ आयरन माइन करते हैं, उसके बाद आगे और मेरे बार कमेंट बॉक्स में बता देना कि मेरी आपको आवाज़ सही आ रही है या नहीं। चलो आयरन माइन करते हैं, स्टोन तो बहुत हो गया। तो गाइस पहले हमें कुछ टॉर्चें बनानी होंगी वरना यार हम तो अंधेरे वाली जगह पर जा ही नहीं पा रहे, फिर आपको कुछ दिखाई नहीं देता ठीक से। तो ऐसे पहले कुछ टॉर्चें बना लेता हूँ। दूर से दूर तक आयरन नहीं दिख रहा कहीं। आने वाला नहीं, कुछ खाने के लिए भी नहीं है। अभी कुछ खाना वाना लेते हैं, फिर चलते हैं आयरन की माइनिंग करने, फिर डायमंड की माइनिंग करेंगे। कैसे देख रहे हो कैसे दिन आकर रोटन फ्रेश खा के गुजारा करना पड़ रहा है। मैं सोच रहा हूँ दूसरी माइन में चलते हैं किसी, बहुत टाइम से एक ही माइंड में काम कर रहे हैं हम। चलो ऊपर चलते हैं। इस वाली माइन में मैं बहुत बार मर चुका, दिल नहीं चाह रहा जाने का। तो भाई सारा सामान मुझे मिल चुका है, मैंने सब कुछ उठा लिया है। यार ये जो यही चीज बड़ी गंदी लग रही है इस माइन में, इसलिए अब मेरा इस माइन में जाने का दिल नहीं चाह रहा। तो अब दूसरी माइन में चलेंगे यार, बहुत बार मर चुका मैं यहाँ पे। नहीं तो ही रहे, रात भी होने वाली है और कुछ मेरे को गाड़ी से मारो पहले। तो बनाए वाटर बकेट, काम बहुत आसान हो जाएगा वाटर बकेट बनते ही। मैं सोच रहा हूँ बेड यहीं छोड़ कर जाऊंगा वरना बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी मरने पे। कहाँ ही आ जा बेटे तू, आ गाइस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर देना ऐसी ऐसी और वीडियोस देखने के लिए, ताकि मुझे इंटरेस्ट आए आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाने में। इन वीडियोस को बनाने में सच में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, लाइक करने में क्या जाता है, प्लीज लाइक जरूर करें।
यार यहाँ कहीं ब्लैक स्मिथ का घर नहीं देख रहा। हाँ गाइस, गोलम से बदला लेना है। मैं गोलम से मुझे वो देख वो रहा गोलम। आज इसके खैर नहीं, मेरे पे ब्लॉक्स हैंगे। चलो ब्लॉक्स हैंगे, आज इसके खैर नहीं। आयरन भी मिल जाएगा। रुक जा बेटे, रुक जा, कहीं चढ़ तो नहीं सकता नहीं आज। अब इधर आना। क्या कर लेगा तू, क्या कर लेगा, क्या कर लेगा। तो हमारा बदला कंप्लीट हुआ। कितने आयरन देखे गए, 3 आयरन देखे गए। चलो हमारी एक्स तो बन जाएगी। एक्स चाहिए थी बस हमें, ये और एक एक्स बस। हमारा बहुत ज्यादा काम कंप्लीट हुआ। तू क्या घूर रहा है, घूरे जा रहा है यार खड़े होके। तो मैं आपको एक ही बार किसी माइनिंग की जगह पर जाके मिलता हूँ 5 मिनट बाद। गाइस हमें यहाँ पर एक केव मिल चुकी है। मैं सोच रहा हूँ यहीं पर चलता हूँ और आप सोच रहा हूँ इतनी देर में क्यों, लेकिन भाई साहब बीच में रात हो गई तो मैं सुन लिया। तो मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि आप बोर ना हो। पहुंचने में नीचे आयरन मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। यार बहुत मेहनत पड़ी।
जितना रेड स्टोन होता है उसके आसपास डायमंड होते हैं, इसलिए बारे में सोच रहा हूँ यहाँ पता है मिल जाए। सो गाइस इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद फाइनली हमें हमारे पहले डायमंड मिल चुके हैं और मुझे इनके एडवांसमेंट इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि मैं पहले ही डायमंड ले चुका हूँ। या फिर मुझे हटाओ भाई, डायमंड आउट होना यार बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है दिल से। फाइनली ये कितने सारे मिले हैं भाई, एक साथ कितने सारे मिले हैं। और डायमंड एक साथ भाई साहब, एक साथ 8 डायमंड, मजे आ गए कसम से, मजे आ गए बहुत ज्यादा, मजे आ गए इस लावा की वजह से मिले हैं। वैसे तो ये हमें भाई लावा तेरा थैंक यू। चलो अब आगे और माइन करते हैं, क्या पता आगे और मिल जाए। ज्यादा लालच कर रहा हूँ, लालच नहीं कर रहा, बहुत देर तक आगे माइनिंग करनी पड़ेगी जब जाके मिलेंगे। भी ज्यादा नहीं है गाइज, मैं इतनी ज़्यादा माइनिंग कर करके थक चुका हूँ, अब बहुत देर हो गई, मेरे को डायमंड मिल ही नहीं रहे यार। लेकिन यार रेड स्टोन है, जहाँ पर रेड स्टोन होता है उसके आसपास कहीं ना कहीं डायमंड होते हैं। ये क्यों छोड़ दिया मैंने, या टॉर्च भी नहीं है मेरे पे। चलो यार अब स्ट्रेट माइनिंग करते हुए चलते हैं भाई, बेड ड्रॉप तक आ गया यार। अरे भाई साहब डायमंड, डायमंड मिल गए भाई,
अरे यार ये तो एक ही डायमंड था हेलो। यार, एक ही नहीं भाई डायमंड में साहब, क्या होगा। टॉर्च अगर तुम लाऊं? रुको, आज क्या पता और डायमंड भी हो। रुको, टॉर्च लाऊं? हेलो यार ये तो बेईमानी हो जाएगी ऐसे। एक डायमंड से क्या हो रहा है? भाई जहाँ पर एक डायमंड होता है उसके आसपास डायमंड तो होते हैं, इतना तो मुझे पता है। और डायमंड होंगे यहाँ पे इसका बेडरॉक का। भाई -61 पर कहाँ मिलेंगे डायमंड यार? पर चलते हैं थोड़ी। ये बंद क्यों है? ओहो साहब, कहते ही डायमंड मिल गए यार। ये थी, मैंने कहा जा रहा हूँ यहाँ से, और बहुत सारे मिले हैं यार। ओपो भाई बहुत सारे हैं। अब जाके मिले इतने से डायमंड। देखें अब हम पर टोटल 17 हो चुके हैं। थोड़े से और चाहिए बस। तो गाइस मैं बहुत देर से डायमंड ढूंढ रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रहा है, और मैं डायमंड ढूंढते ढूंढते थक चुका हूँ। तो मैंने सोचा रूट पर चले जाता हूँ, दोबारा आऊँगा अभी आयरन के पिक एक्से ले गए। मैं चलता हुआ जा रहा था अचानक मुझे पता नहीं है क्या चीज़ दिख गई है। क्या चीज़ है भाई ये? आसमान में क्या हुआ है समझ नहीं आ रहा। ये कैसी जगह है यार बिल्कुल ही? अबे भाई विलेज भी दिख गया, क्या जगह है यार ये? चलो ऊपर चल के देखते हैं। चलेगी आसमान में? साहब ये क्या है? ज़ोंबी के ऊपर ज़ोंबी विलेजर का बच्चा? भाई ये क्या चीज़ है? तो मार भी रहे हैं यार। बहुत ज्यादा रेयर होगा। बस तेरी मार देगा यार ये तो, ऐसे मारना पड़ेगा क्या? ज़ोंबी विलेजर का बच्चा बचा। सो गाइस मुझे डायमंड माइन करते करते बहुत देर हो चुकी है, लेकिन डायमंड्स मिल नहीं रहे। तो अब मैं सोच रहा हूँ वापस चला जाता। जब भी मैं ऐसे कहता हूँ जब भी मिलते हैं।
तो यार मुझे ऐसा ही कहना चाहिए डायमंड लेने के लिए, और भी हैं। फालतू की चीज़ फेंक दे यार, बस दो ही डायमंड दिख रहे हैं यहाँ तो। ओ लावा, मेरा पानी गया पिछली बार की तरह ही। यार मुझे और डायमंड माइन करने हैं यहाँ से, यहाँ पे और भी डायमंड है मुझे पता है होंगे और ज़रूर। भाई बस दो ही थे क्या? मैं गया दो डायमंड में, क्या हो रहा है? शॉर्ट स्टफ की एडवांसमेंट मिल चुकी है हमें लावा लेने से। सो गाइस मैं अपने दो डायमंड और लेके आ चुका हूँ, बीच में मैं मर गया था, फिर बड़ी मुश्किल से अपना सामान लेके आया, और मैंने अपना सारा जितना भी कीमती सामान है वो इस चेस्ट में रखा है। इसमें सारी बहुत कीमती कीमती चीज़ें हैं मेरी। फिलहाल आयरन को स्मेल्ट होने रख देते हैं, लावा बकेट डाल देता हूँ ना इसमें, ये सही रहेगा। तो अभी मेरे को बस थोड़े से डायमंड और चाहिए गाइस, मेरे पे 23 डायमंड हो चुके हैं और बड़ी मुश्किल से हुए हैं ये सारे के सारे। बस थोड़ा सा सामान और चाहिए, उसके बाद मेरा आज का गोल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं। तो गाइस आप सोच रहे होंगे मैंने अपनी स्किन क्यों बदल ली, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अब से मेरी परमानेंट स्किन यही वाली है, अब से मैं हमेशा इसी स्किन के साथ खेला करूँगा। तो अब आप भी इसी स्किन की आदत डाल लो, मेरी परमानेंट स्किन है क्योंकि। तो चलिए आगे शुरू करते हैं, चलिए ऊपर चलते हैं, और बस हमें 4-5 डायमंड और चाहिए, 4-5 डायमंड मिलते ही हमारा आज का गोल कम्प्लीट हो जाएगा। तो चलिए ऊपर चल के गोल कंप्लीट करते हैं। तो गाइस फाइनली हमें यहाँ पर डायमंड्स मिल चुके हैं। अबे यार एक एक डायमंड का क्या हिसाब है मेरे पास समझ नहीं आ रही, इतनी मुश्किल से इसमें डायमंड ढूंढो और एक एक दो दो डायमंड मिलते हैं यार। गाइस अभी भी एक डायमंड मिला है बस हमें, तो अब हम पे 24 या 25 डायमंड हो गए। मुझे पता थे यहाँ पर ऐसे माइनिंग करने से डायमंड ज़रूर मिलते हैं, और एक ही बारी में बहुत सारे डायमंड्स मिल चुके हैं। फाइनली 4 डायमंड मिले हैं हमें यहाँ से, रेडस्टोन के आसपास डायमंड होते ज़रूर हैं क्योंकि। इसलिए मैंने वहाँ पर से माइनिंग करी। तो गाइस हम पे टोटल अब 26 या 27 डायमंड हो चुके होंगे, हमारा फुल डायमंड का आर्मर बन जाएगा आज का गोल हमारा कंप्लीट। अब ऊपर चलते हैं। बस ये नीचे और हों, दो ना हो सिर्फ। वाह 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 कितने हैं। ओ भाई साहब 60 डायमंड, मेरी पेस टूट गई, 7 से भी ज़्यादा डायमंड। अब ये तो कुछ ज़्यादा ही होगा यार, तो ये तो ज़रूरत भी नहीं थी। हम पर 13 डायमंड तो यहीं हो गए और 26 डायमंड घर पे रखे हैं, सारे टूल्स भी बन जाएंगे अब। टोटल 36 डायमंड हो चुके हैं। सो गाइस हम पे फाइनली टोटल आप देखना चाहोगे कितने डायमंड हो चुके हैं। पहले तो आप ये देखो मैंने अपनी कीमती चेस्ट बनाई है, हम पे टोटल 36 डायमंड हो चुके हैं भाई। 36 डायमंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, 36 डायमंड यार पूरे 2-3 दिन लग गए मुझे इनको माइन करने में, लेकिन फाइनली 36 डायमंड्स हो चुके हैं, हम अपना फुल आर्मर बना सकते हैं। चलिए बनाते हैं चेस्ट,
ब्रेसलेट, लेगिंग्स, बूट्स, वो हेलमेट और ये बूट्स। तो गाइस फुल आर्मर हमारा तैयार है, अब चलिए बनाते हैं और पहनते हैं। गाइस हमें एडवांसमेंट मिल चुकी है और हमारा फुल डायमंड का आर्मर कंप्लीट। अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता इस गेम में, जहाँ तक मुझे लगता है कोई मॉब से अब हमें बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं। यार एक बार मेरे पुराने आर्मर की हेल्थ देखो आयरन वाले। तो गाइस यहाँ पर हमारा टारगेट ख़त्म हो चुका है, अब मिलेंगे हम आपसे कल। और बहुत मेहनत करने के बाद मैंने अपने ये पूरे के पूरे डायमंड बना लिए और अब भी हम पे भाई 12 डायमंड बचे हैं। आओ तो और भी चीज़ें बना लेते हैं, स्वॉर्ड वगैरह और बना लेते हैं। पहले स्टिक बनाते हैं, स्टिक, उसके बाद एक एक्स बना लेते हैं, एक पिकैक्स बना लेते हैं और एक स्वॉर्ड बना लेते हैं। अब हम पर शायद 3 डायमंड बचे होंगे, देखूँ भाई खुल जाए यार। 4 डायमंड बचे हैं गाइस हम पे, हमारे सच में लॉटरी लग चुकी है इतनी मेहनत करने के बाद। तो चलिए अब आपसे मिलेंगे हम कल, हमारा आज का फुल गोल कंप्लीट हो चुका है, हमने अपने डायमंड की एक्स पिकैक्स सब कुछ बना लिया है सब कुछ। यार एक हो रह गई, हो तो छोड़ो होगा, मैं करना ही क्या यार, और शवल भी रह गई वैसे तो। लेकिन यार 4 डायमंड को बचा के रखते हैं, अभी और किसी चीज़ में ज़रूरत पड़ेगी तो उसका बना लेंगे वो पिकैक्स वगैरह, फालतू में हो और उसमें क्यों बर्बाद करें, आगे कभी बनाएंगे जब और माइनिंग करेंगे। तो बस मेन हमारा आर्मर तो कंप्लीट हो चुका। तो आपसे गाइज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। वैसे तो यार आप नए ही हो गए मेरे चैनल पर, क्योंकि मेरा चैनल ही अभी नया है तो आप हो गए नए। तो यार चलिए मिलेंगे आपसे कल, टाटा बाय बाय। गाइज मैं आपको ये तो बताना भूल गया कि भाई हम कल के एपिसोड में क्या करने वाले हैं। तो हमारा कल के एपिसोड का गोल होगा कि हम कल अपना एक वो बना लेंगे, मतलब आयरन का फार्म बना लेंगे, आयरन फार्म जिसमें हमको अनलिमिटेड आयरन मिल जाए और बिल्कुल दिक्कत ना आए। आयरन फार्म बनने के बाद अपना अगले एपिसोड में घर को बिल्ड करेंगे, है नहीं? तो गाइज ये है हमारा कल का गोल कि हमें अपना आयरन का वो बनाना है फार्म। तो चलिए मिलेंगे आपसे कल, एक बार फिर से टाटा गुड बाय।